नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने शुक्रवार को रेंज ऑफिसर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रेंजर पटेल मजदूरी भुगतान करने के लिए दो फॉरेस्ट गार्ड के साथ कोंड रोजी गांव जा रहे थे, तभी वहां पहले से ही मौजूद नक्सलियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। भैरमगढ़ रेंज में पदस्थ इंद्रावती टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफिसर रतिराम पटेल की नक्सलियों ने हत्या कर दी। गौरतलब है कि नक्सल प्रभावित बस्तर में वन कर्मियों की पिटाई व निचले स्तर पर कर्मचारियों की हत्या पहले भी हो चुकी है, पर रेंजर स्तर के अधिकारी की नक्सलियों ने पहली बार हत्या की है। बताया जा रहा है कि जब वे मजदूरी का भुगतान करने के लिए जा रहे थे, तभी कोंडरोजी में नक्सलियों ने उन्हें घेर कर उनके साथी सहकर्मियों को वहां से भगा दिया और उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। नक्सलियों के इसी इलाके में छुपे होने की आशंका को देखते हुए सघन जांच भी की जा रही है। दिवंगत परिक्षेत्र अधिकारी शहीद रथराम पटेल के गृह ग्राम कुम्हारी कोस्टोल में वन एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में कल वन विभाग के रेंजर की हत्या कर दी गई थी। आज उनके गृह ग्राम कुम्हारी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस फोर्स से सीधा मुकाबला करने की अपेक्षा नक्सली अब आम ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। यह पहला अवसर है जब नक्सलियों ने वन विभाग के रेंजर की हत्या की है। आशंका है कि नक्सली अब अन्य सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को निशाना बनाएंगे। इस घटना के बाद बस्तर में विकास कार्यों में लगे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में भारी दहशत है। संभव है कि अफसर जंगली इलाकों में जाने से भी मना कर दें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।